एवरीवन, आज हम लोग सीपीसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसे हिंदी में हम लोग विधिक प्रतिनिधि भी कहते हैं एंड इसे सीपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज 11 में डिफाइन किया गया है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप जो है इसको देख लेंगे, वीडियो को लास्ट तक समझ लेंगे, इसके बाद ही एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि आखिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता कौन है। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी किसकी है? ए की है। ओके, ए की है। अब इस प्रॉपर्टी का जो सूट है वो कोर्ट में चल रहा होता है। कहाँ चल रहा होता है? कोर्ट में चल रहा होता है। अब प्रॉपर्टी का सूट जो है कोर्ट में चल ही रहा होता है कि अब ए जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? ए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब ए की मृत्यु के बाद इस प्रॉपर्टी का जो केस, जो सूट, जो कोर्ट में चल रहा है, उसको आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा? यही आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो कि हम कह सकते हैं कि जो कि सूट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि मृतक व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है उसमें प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव बनता है या फिर दखल अंदाजी करता है, तो हम उसे हम क्या कहेंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग, जो इसका डेफिनेशन है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन के बिना हम लोग को समझ में नहीं आएगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अ डिजीज पर्सन। यहाँ पर बताया गया है कि जो पर्सन है, जो मृत व्यक्ति है, डिजीज पर्सन है, उसके जो संपत्ति है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है उसका, उसकी पत्नी हो या उसका बेटा हो, तो ये भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। आपको तो पता होना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसकी पत्नी हो गई, बेटा हो गए, वो कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, या फिर हम कह सकते हैं एक तरीके से उसको प्रॉपर्टी में सबसे पहला हक मिलता है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, एंड इंक्लूड एनी पर्सन। ओके, पर्सन लिखा हुआ है, आप इसे ध्यान समझेंगे। पर्सन हु इंटरमेडलर विद द स्टेट ऑफ द डिजीज्ड एंड वेयर अ पार्टी सूज और इज इशूड इन अ रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर द पर्सन ऑफ होम द स्टेट। यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी जो डेथ पर्सन है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें दखलअंदाजी करने का भी काम करता है, मीन्स इंटरमेडलर भी हो सकता है, मीन्स हस्तक्षेप करने का काम करता है। यहाँ पे बोला गया कि द पर्सन ऑन होम द इस्टेट डेवल्स ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी सो शूइंग और शूट। यहाँ पर बोला गया है कि जो सूट चल रही है तो उसके अंतर्गत जो पर्सन है या पार्टी है, तो इस तरीके से जो उस पक्षकार के मरने के अंतर्गत वो न्यायगत होती है। ऐसा नहीं कि आपने उस जो प्रॉपर्टी है, ए व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, उसको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, तो वो लॉ की दृष्टि से ऐसा नहीं कि गलत होगा, वो भी न्यायगत होगा, ये चीज़ बताया गया है आपका। अब यहाँ पर चलते हैं, कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे एग्जांपल के थ्रू हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव के कुछ एग्जांपल दे दीजिए, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या एग्जांपल होगा। तो यहाँ मैं बता देती हूँ आपको, देयर आर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ई स्टेट ऑफ अ पर्सन। यहाँ पर देखते हैं कि इंटरमेडलर, यहाँ पे जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ से ही इंटरमेडलर वर्ड का यूज किया गया है। ओके, तो इंटरमेडलर कह सकते हैं या इंटरमेडलर्स भी कह सकते हैं, जो हस्तक्षेप करने का काम करता है, दखलअंदाजी करने का काम करता है। एग्जीक्यूटर, जो जैसे कि कोई व्यक्ति है जो मर गया है, वो एग्जीक्यूटर को भी अपॉइंट कर सकता है कि भाई तुम जो इस जो पेंडिंग सूट है उसको आगे बढ़ाने का काम जो है करोगे। एंड एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एंड हिंदू को पार्टनर, आपने जब मैंने हिंदू
लॉ पढ़ाई थी तो उसमें बताई थी कि जैसे कि कोई व्यक्ति है तो को पार्सनर के तौर पर कितनी पीढ़ी तक आती है, कौन कौन को पार्सनर हो सकते हैं, तो हिंदू जो को पार्सनर है वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जाने जाते हैं। एंड लेगेटी जो होते हैं वो भी आपके रिक्तग्राही भी कह सकते हैं हिंदी में अगर हम बात करें, तो ये भी आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। एंड रिवर्जनर व्यक्ति भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। एंड कोपासनर यहाँ पे लिखी थी मैंने, कट कर दी हूँ क्योंकि कोपासनर हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। तो कोपासनर नहीं, को शेयरर मीन्स हो जाता है कि आपका जो सहभागी होते हैं। तो इस तरीके से आप जो है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। जैसे कि और भी व्यक्ति, जैसे मृतक जो व्यक्ति है उसकी संपत्ति है, संपत्ति पर बिना उसके किसी हक के दावा करते हुए कब्जा करने वाला अन्य व्यक्ति भी इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम लोग ने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को समझा, आगे हम लोग मेंसे प्रोपेट को समझेंगे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि सेमेस्टर के एग्जाम में एंड PCJAPU के एग्जाम में हमेशा पूछ देता है कौन से सेक्शन में दिया गया है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, तो आप इसे ध्यान से समझ लेंगे। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय, थैंक यू।